फिल्म की एक छोटी बहन है और साथ ही साथ एक सिंगर भी है जो कि सिंगिंग सीख रही है, म्यूजिक सीख रही है। उसके परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अप्सरा आली सॉन्ग पर। नमस्कार, हमें रोहित रवा दखतरी मैच बॉक्स, हमें मैच बॉक्स के टीम में रुकुंदीपुर में मौजूद भी है जो सिवान जिला के अंतर्गत आवेला, जहां पर आज एनुअल फंक्शन हो रहा है। रवा का दिखाया एक प्रयास करते नहीं कि सरस्वती विद्या निकेतन हाई स्कूल हटे जहां पर एनुअल फंक्शन के आयोजन कर गए बटे और भारी तादाद में जितना भी लोग बाटे, जितना भी स्कूल के पेरेंट्स बाटे देखे खातिर आए बटे। और हर एक साल ए जी सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा जो स्कूल का डायरेक्टर बने बनी वहाँ के द्वारा काफ़ी बेहतर जी एनुअल फंक्शन करावा जाला, पठन पाठन के कार्य करावा जाला। तो देख सकते हैं कि भारी भीड़ से है, लगभग 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में लोग अपन बच्चा का परफॉर्मेंस दिखाई बा कि शिक्षा में जितने भी कल्चरल प्रोग्राम बाटे काफ़ी ज़्यादा जरूरी बाटे और कल्चरल प्रोग्राम में लोग बच्चा लोग भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करावा जाता। लोगों का दिखाए के प्रयास कर कि कितना अच्छा से बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा बड़े और बच्चा जो एक पढ़ाई के साथ साथ और ये जी कल्चरल प्रोग्राम के मतलब कि हम कह सकते नहीं जोर जोर से हिस्सा ले रहा बड़े। चलिए जो डायरेक्टर बाटे हम बात करें का प्रयास करते हैं कि रुकुंदीपुर में सरस्वती विद्या बाल निकेतन हाई स्कूल बाटे में कितना बेहतर से बेहतर पठन पठन कार्य होला और वह देख सकते नहीं। चलिए जितना भी पेरेंट्स लोग बाटे हम बात करे के प्रयास करते नहीं कि जो सरस्वती विद्या निकेतन हाई स्कूल रुकुंदीपुर मौजूद बाटे जी बच्चा लोग के जो कल्चरल प्रोग्राम बाटे एनुअल फंक्शन जो करावा जाता डायरेक्टर सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा पेरेंट्स का सोचते रहे का सोचते नहीं इतना सुदूर क्षेत्र में ए प्रकार के कार्यक्रम करावल जाता टे पेरेंट्स से पूछिए। अच्छा पेरेंट्स से का कहे के चाहे चाचा एकदम बेहतर का बेहतर पठन पाठन के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी करावल जाता टे तो बढ़िया प्रोग्राम हम लोग चलिए और भी लोग से बात करके प्रयास करते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे इस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में और यहाँ के परफॉर्मेंस के बारे में? ये कल्चरल प्रोग्राम जो सरस्वती विद्या निकेतन हाई स्कूल के द्वारा किया जा रहा है बहुत सराहनीय है। रुकुंदीपुर जैसे इलाके में जो महाराजगंज में है और सिवान से काफी दूरी पर पेरेंट्स का यहाँ उल्लास देखिए और बच्चों का यहाँ कार्यक्रम का स्तर देखिए, ये किसी से कम नहीं है, अनपैरेलल्ड है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बहुत आगे और बहुत सराहनीय कदम है और इनको मनोबल को और कॉन्फिडेंस लेवल को एक लेवल हाई लेकर जाए और भगवान के आशीर्वाद पास सब की स्कूल का और तरक्की हो, बच्चों में और आगे बढ़े, हर्षोल्लासों के साथ उनके और पढ़ाई में भी ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। और आप सभी का धन्यवाद, आप भी आए हैं और इसमें मदद कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। चलिए और भी लोग से बात कर रहे थे प्रयास करते नहीं के देखिए तमाम सभी पेरेंट्स लोग मौजूद बाटे और कल्चरल प्रोग्राम लगातार शुरू बाटे हम पूछे का प्रयास करते नहीं का कहे के चाहे कल्चरल प्रोग्राम करावल जाता थे कल्चरल प्रोग्राम करावा जाता है एनिमल फंक्शन करावा क्या बोलना चाहेंगी जो स्कूल में पठन पाठन कार्य कराया जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम कराया जा रहा है? हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, देख के अच्छा लग रहा है और ऐसा आशा करेंगे कि आगे भी कल्चरल प्रोग्राम हो डायरेक्टर सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा। चलिए और भी लोग बाटे हम पूछे का प्रयास करते नहीं क्या बोलना चाहेंगी मैम? बेहतरीन परफॉर्मेंस है बच्चों का, सबसे अच्छी बात तो ये है कि डायरेक्टर साहब ने हर बच्चे को मौका दिया है परफॉर्मेंस के लिए। आप क्या बोल क्या बोलना चाहेंगे इस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जो हम लोग सोचते थे ये सेतु कुमार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है अकेला हुआ। अच्छा। जो हम सोचते थे वो आज ऊपर कर दिखला, खुशी महसूस होता है, बहुत मुझे खुशी होती है। यदि हम तो नहीं कर पाए वो मेरा चेला करके पढ़ रहा है, ये भी मेरा चेला है बगल वाला लड़का, ये बहुत बड़ा प्रवक्ता भी है। अच्छा तब प्रवक्ता बानी कुछ तो कहेगा चाहत। हाँ बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल ये सही बात है कि हमारे गुरु जी हैं और बहुत सौभाग्यशाली हूँ गुरु जी के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। देखिए रोहित जी, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो दिखेगा सरस्वती विद्या निकेतन हाई स्कूल, ये मतलब इस एक गांव में हाई स्कूल को बनाना उस लेवल का करना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकेंड बात, उसके नीचे एक और लिखा हुआ है एनुअल फंक्शन 2024। एनुअल फंक्शन का मतलब होता है
प्रत्येक साल प्रतिवर्ष जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसा इन्होंने स्कूल का एनुअल फंक्शन करा रहे हैं। जो सौरभ हैं, सौरभ श्रीवास्तव मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, अभी भी हैं, और मैं दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसलिए नहीं कि ये एनुअल फंक्शन करा रहे हैं, इसलिए भी मैं बहुत इनको बधाई दे रहा हूँ कि गाँव के कल्चर में ये कल्चरल इवेंट है, इसको आप देखिएगा तो कल्चरल इवेंट है, तो गाँव में कराना ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज़ है। आप 5 साल पहले अगर जाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं इनमें कुछ टैलेंट नहीं था, सब में था, आप में भी था, हम में भी था, सब में था, लेकिन उस टैलेंट को आज अगर सौरभ इस एक स्टेज दे रहा है, एक मतलब पुशअप दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हम तो बहुत खुश हैं एक दोस्त होने के नाते आज आए, और मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि मुझे छुट्टी बहुत कम होती है तो मैं हर वर्ष आऊँ, और इसके लिए सौरभ को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भीड़ देख सकते लगा सकते कि काफी संख्या में पेरेंट्स मौजूद बने और काफी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, काफी बेहतर अपन अपन बच्चा के परफॉर्मेंस देखे खातिर आयल बटे बड़ा जो ये स्कूल के डायरेक्टर बाटे सौरभ श्रीवास्तव यहाँ से बात करे प्रयास करते थे कि हर एक साल ये जी हम कहीं तो एनुअल फंक्शन के साथ साथ बेहतर पढ़ाई के पठन पाठन के कार्य कराओ जाएगा। सौरभ जी सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हर एक साल एनुअल फंक्शन करावा जाएगा जी, हर साल होता है, ये पाँचवा है, पाँचवा है जी, जी। तो 5 साल हो गया आपको स्कूल खोले हुए? जी हाँ 5 साल हो गए। तब अगर बात करें तो कितने कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, कौन कौन सी कक्षाएं पर यहाँ पर कराई जाती हैं? सर स्कूल में 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी से लेकर के, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन अभी 8वीं तक का है, बट ऐसे कोचिंग वगैरह में अभी अप टू 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं, 12th के बच्चे साइंस से यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, अभी आप उन्हीं के क्लास में बैठे हुए हैं जी। अच्छा ये बात बताइए कि कैसे सोचा कि सुदूर क्षेत्र में इतना बेहतर पठन पाठन कार्य कराया जाए और बच्चे सबको कल्चर प्रोग्राम कराया जाए? देखिए पहले साल के प्रोग्राम में आप आए हुए थे और आपने ये सवाल मुझसे किया था, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, और मैंने ये जवाब दिया था कि मैं जो चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, बाकी जिन स्कूलों में मैं पढ़ा रहा था, जिसकी वजह से मैंने अपनी जगह को चुनना ज़्यादा अच्छा समझा। आज मैं वो सब कुछ कर पाता हूँ अपने बच्चों के लिए, उनको वो फ्रीडम दे पाता हूँ। अभी रिसेंटली साइंस एग्जीबिशन हुआ, साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, अभी आप जिन बच्चों के क्लास में बैठे हैं इनके लिए स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो हम जो देना चाहते हैं वो अपनी जगह पर से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है, बस यही एक मोटिवेशन था इसके पीछे। और भी पेरेंट्स से क्या अनुरोध करना चाहेंगे ये सुदूर क्षेत्र में है, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं मोटा रकम वसूल करते हैं, आपके पास क्या स्कूल में एबिलिटी है कि यहाँ बच्चे आए और फीस के मामले में गरीब जो तबके के बच्चे हैं वो आपके यहाँ पढ़ सके? सर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक मजदूर की जो एक दिन का जो उसकी मजदूरी होती है, हम उस मजदूरी में पूरे महीने बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारा इतना कन्वीनियंट और इतना लो कॉस्ट का स्कूल है जिसमें हम बेस्ट शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक रही आगे की बात, तो अभी हमारे पास हमारे एडमिशन जो है वो अभी फिलहाल हम बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जगह जितना है उतने बच्चे हमारे पास, बट निश्चित रूप से हम नए स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, नए जगह के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ और भी अच्छे से बच्चों को एजुकेशन दे सकें ज़्यादा मात्रा में बच्चों को। अगर शिक्षा की शिक्षकों की बात की जाए तो आपके पास कितने अनुभवी शिक्षक हैं? देखिए मेरे पास अभी कुल 12 शिक्षक हैं विद्यालय में जो पढ़ाने वाले हैं, जिनमें से 4-5 फ्रेशर्स हैं, 5 फ्रेशर शिक्षक हैं, बाकी 6-7 लोग ऐसे हैं जिन्हें लगभग किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, और एक तो 18-19 साल एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, मुझे खुद पढ़ाते हुए लगभग 8-9 साल से ज़्यादा हो गए जी।